इस वर्ष में 2024 में नेगेटिव और वेस्ट, व्यर्थ और नकारात्मक दोनों को, ये जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, बाबा ने कहा इसको खत्म करो, ये एटीट्यूड मत रखो। स्नेह दो सबको, शक्ति दो। जैसे बाबा मुझे मिले थे फर्स्ट टाइम, तो बाबा ने कहा था स्नेह मूर्त तो हो, लेकिन अभी शक्ति मूर्त बनना है। तो वही है आज इसमें, स्नेह दो और शक्ति भी दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो, क्योंकि दुनिया में ना नेगेटिव बातें बहुत हैं, वेस्ट बातें बहुत हैं, अवॉइड करो। बाबा कहते हैं मन और बुद्धि में उनको धारण ना करो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो, नेगेटिव को, वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों का जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। जो अवॉइड करेगा उसे अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं दुनिया में, है ना, एक आत्मा दूसरी आत्मा को अवार्ड देती, लेकिन यहाँ परमात्मा स्वयं आत्माओं को अवार्ड देगा, जो उमंग उल्लास खुशी में रहेंगी भी और अन्य आत्माओं को रखेंगे भी। सबकी टेंशन, नेगेटिविटी, वेस्ट समाप्त करवाने में उनकी मदद करेंगे। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्म अवार्ड है। क्या वर्ड यूज किया बाबा ने, परमात्म अवार्ड, ये परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो और अवार्ड लो। हिम्मत है। पांडवों ने, जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे, सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन कर लो, बाबा कहते हैं भूल नहीं जाना, नहीं तो बाबा कहते हैं ना, जैसे पहाड़ से नीचे उतरते जाते हैं, फिर ट्रेन पे पहुंचे, फिर रास्ते में पहुंचे, तो वो सारा जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे नशा भी नीचे चला जाता है, फिर दुनियावी बातें याद आने लगती हैं। वहां रहते हैं तो नशा अलग है, नीचे आते जाएंगे नशा उतरता जाएगा। कमजोर बनते क्यों हो, बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं, क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, महावीर हो, शक्तिशाली हो, हैं, या थोड़ी परिस्थिति आने पर टाए टाए फिस हो। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी के हो सर्वशक्तिवान या सदा के हो, क्या हो, सदा शक्तिशाली हो, बाबा पूछ रहे हैं, हाथ खड़ा करो अगर सदा सर्वशक्तिवान। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं, अर्थात सदा उत्सव में रहना, उमंग उल्लास में रहना और औरों को भी उत्साह मिलाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। कोई भी आपका हतोत्साहित आपके पास आए, डिसहार्टन्ड, मायूस, गमगीन आपके पास थोड़ी देर बैठे, उसकी अवस्था बदल जानी चाहिए। हमारे पास आते हैं कई, कौन, मेरा सिर फटने वाला, इतनी टेंशन है सर, कुछ करो, थोड़ी देर बात करते हैं, कहते हैं रिलैक्स हो गए। तो बाबा भी वही कहते हैं,
कि आपके पास कोई आए तो कैसा होना चाहिए, वो भी उमंग उल्लास में आ जाए। औरों को भी उत्साह में लाना है और सदा उत्साह में स्वयं भी रहना है, यही ब्राह्मणों का कुपेशन है। वो ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हैं तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी तो यहाँ ही चुकता करना है, क्लियर कहाँ करना है अकाउंट। यहाँ में सब जो है ना एक दूसरे बदले लेने के लिए आए हुए हैं, समझ आई? कौन किससे क्यों जुड़ा है, सबके सबके साथ कोई ना कोई हिसाब किताब है, उनको क्लियर करने के लिए जुड़े। जो तो होते हैं ज्ञानी, वो तो काटने की सोचते हैं भी, जो हमारा अकाउंट है इस आत्मा से उसको क्लियर कर लिया जाए योग की शक्ति से, और कई और बढ़ा के चले जाते हैं। पहले थोड़े संस्कार थे, अब और कड़े कर लिए, और ज्यादा जुड़ गए, फिर दूसरा जन्म होने पे भी उनको पुराणों को याद करते रहते। तो बाबा कहते हैं, कैसी भी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब तो यहाँ ही चुकता होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मण का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वो रोता हुआ आए, आप उन्हें उत्साह में नचा दो, नाचता हुआ जाए, रोता हुआ आए। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पांव नाचने लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो, हंसते कहीं नहीं हंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते।